बता रहा हूँ फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिस तरह का नौटंकी ड्रामा चल रहा है, मेरी हत्या की साजिश चल रही है, तो जनता माफ नहीं करेगी। बहुत सारे असामाजिक लोग इसका विरोध करने में लगे रहे हैं, कई दिन से पार्टियां चल रही हैं, पीरों की जनता देख रही है और सत्यमेव जयते। बजट जैसा चीज का विरोध और अंत में कहते हैं कि सहमत हैं, तो ऐसे कराने वाले लोग चेत जाए, 5 साल बाद फिर जनता के दरबार में जाना है। और वैसे लोगों को बड़ी बात कह रहे हैं, हत्या की साजिश बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, अहिंसक राजनीति में हिंसा की कहीं जगह नहीं। कि मेरी हत्या भी होगी, मुझे शहादत भी देनी होगी पीरों के विकास के लिए, तो मैं अपनी शहादत देने के लिए मनोज उपाध्याय तैयार है, लेकिन जनता में यह बात चल रही है कि क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज और आपको बता देना चाहते हैं, पिछले दिनों नगर परिषद पीरों का बजट सत्र जो है पेश हुआ है, और उस बजट में लगभग 112 करोड़ का जो लागत का जो रुपये है, एक साल के अंदर में बजट जो है पेश हुआ है। यहाँ दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, जब बजट सत्र के बाद जब हम सभापति प्रतिनिधि से मिलने का काम किए, तब उन्होंने कई आरोप भी लगाए, पहले से भी वे आरोप लगाते आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि राजनीति को देखते हुए कोई उनको टारगेट कर रहा है। यहाँ दोस्तों पिछले दिनों उन्होंने ये बात कहा था कि वे अप्लीकेशन भी दे चुके हैं कोर्ट में, और कई लोगों का नाम भी दर्ज करा चुके हैं, कि अगर कोई अगर खरोच भी आता है तो ये लोग जो है जिम्मेदार होंगे, उनको परिवार को शायद कोई टारगेट कर रहा है। और उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ जो लोग भी रह रहे हैं, या फिर हमारे आसपास या हमारे परिवार के जो लोग भी हैं, कोई खरोच भी आता है तो हम ये जिम्मेदार उन लोगों को ही ठहराएंगे जो हमको टारगेट कर रहे हैं। और हालांकि जो है उनका एक भी कहना है कि उनको कई लोगों का नाम भी दर्ज करा चुके हैं कोर्ट में, कि जो उनको दिक्कत होता है तो वे ये लोग जिम्मेदार होंगे। आइए देखते हैं जदयू प्रदेश महासचिव मनोज उपाध्याय जी सह पीरो नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि क्या कहते हैं। ये बहुत सारे असामाजिक लोग इसका विरोध करने में लगे रहे हैं, कई दिन से पार्टियां चल रही हैं, पीरों की जनता देख रही है और सत्यमेव जयते। बता रहा हूँ फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिस तरह का नौटंकी ड्रामा चल रहा है, मेरी हत्या की साजिश चल रही है, तो जनता माफ नहीं करेगी। और वैसे लोगों को बड़ी बात कह रहे हैं, हत्या की साजिश बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, अहिंसक राजनीति में हिंसा की कहीं जगह नहीं है। राजनीति में जब विकास का मुद्दा ले, आपको बेचैनी है, आपको भी दुनिया जनता मौका देगी, पार्टियां देने से नहीं होता है। और जनता के बीच 5 साल बाद आपको जाना है, तो लड़ना है तो जनता से प्रजातांत्रिक तरीके से लड़िए, पीरों के विकास को रोकने का प्रयास कीजिएगा, जनता कतई माफ नहीं करेगी। और मैं जानता हूं, इसमें मैंने पहले भी कहा था, न्यूज 18 में मेरा न्यूज चला था कि मेरी हत्या भी होगी, मुझे शहादत भी देनी होगी पीरों के विकास के लिए, तो मैं अपनी शहादत देने के लिए मनोज उपाध्याय तैयार है, लेकिन जनता में यह बात चल रही है कि क्या हो रहा है। बजट जैसा चीज का विरोध और अंत में कहते हैं कि सहमत हैं, तो ऐसे कराने वाले लोग चेत जाए, 5 साल बाद फिर जनता के दरबार में जाना है। विकास होगा, विकास की पटरी को आप लोग आगे बढ़ाइए। और मैं फिर धन्यवाद व्यक्त करूंगा सामान्य बोर्ड का कि आपने देर आए दुरुस्त आए, और सत्यमेव जयते सत्य की जीत होती है। बिल्कुल विकास होगा। कौन लोग टारगेट कर रहे हैं आपको, ये बात बोल रहे हैं? देखिए टारगेट कौन होगा, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे वही टारगेट करेंगे ना। ऐसा क्यों करेंगे? मैंने बता दिया है, मैंने पहले भी चैनल के माध्यम से बता दिया है, क्यों करेंगे? राजनीति में कई लोग मारे गए, यहाँ तो बहुत सारे लोग हत्याएं हो गई, क्यों हुई ये तो प्रश्न ही अजीब है। मैं विकास का कार्य कर रहा हूँ, उन्हें विकास पसंद नहीं है, तो वो तो करेंगे ही राजनीतिक। लेकिन मैं पहले भी कहता हूँ और पहले भी कह चुका हूँ, मैंने चिन्हित कर वैसे लोगों को सरकार को अवगत करा दिया है कि मेरे या मेरे साथ रहने वाले लोगों को किसी तरह की बात होती है तो हमने लिख के दे दिया है कि उसका जिम्मेवार अगर एक एक एक, एक रेप भी लगता है तो उसके जिम्मेवार कौन कौन लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मैंने माननीय कोर्ट से लेकर के सब जगह लिख के हर जगह दे दिया हमने कि एक रेप भी लगता है तो कौन जिम्मेवार होंगे। और विकास मैं करके रहूंगा अमित जी, पीरों का विकास पीरों की जनता जानती है कि एक साल में मैंने 20 साल का वो काम किया। और मैं वैसे पार्षदों से भी आग्रह करूंगा कि आपकी ताकत, आप अपने ताकत का सदुपयोग करें, सकारात्मक ऊर्जा के तहत जनता के विकास के काम में लगाएं, इधर उधर नहीं जाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।